वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर से आपको आगाह करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर महंगे आईपीपीस के मामले पर हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने हैं। 8,359 मेगावाट सलाहियत के महंगे आईपीपीस 2031 तक खत्म हो जाएंगे। वज़रा की जानिब से तजावीज दी गई है, इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तजावीज दी गई? देखिए, ये मामला नया नहीं पुराना है और जो ब्यूरोक्रेसी है उन पर वजीर आजम ने अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। कल एक मीटिंग हुई है जिसमें ब्यूरोक्रेसी और वज़रा आमने सामने हुए हैं और जो एक दूसरे की तजावीज है उसकी मुखालफत की गई। वज़रा की जानिब से तजवीज दी गई है कि जो 2031 तक आईपीपीस रिटायर होंगे उस पर नेगोशिएशन हो सकती है, जिस पर हुकाम वजारत तवानाई की जानिब से कहा गया कि कानूनी पेचीदगियों का सामना है और ज़राए की जानिब से बताया गया कि अगर ये महंगे आईपीपीस बंद कर दिए जाए 2031 से पहले तो 1446 अरब रुपए की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बचाई जा सकती है और 5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में कमी हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की जो दूर खराबियां हैं उनको दूर किया जाए तो 2 रुपए फी यूनिट तक कमी हो सकती है। और जो वो ये तजावीज दी गई है वजीर आजम को पेश की जाएगी, लेकिन वजीर आजम इस पर जो है आजाद माहिरीन की राय लेंगे। उन्होंने पहले भी ब्यूरोक्रेसी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था और वजारत तवानाई के कुछ अफसरान को तब्दील भी किया गया उसके बाद। और अब ये मामला, शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे।